पूजा सिंह किचन गुलदस्ता में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ काफ़ी टेस्टी और क्रिस्पी मैदे की नमकीन। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैदे की नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें हम आधी कटोरी मैदा डालेंगे। मैदा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर आधी चम्मच के करीब और आधी चम्मच से भी कम लाल मिर्च पाउडर। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डालकर हम इसका एक घोल तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं घोल इस प्रकार से मैंने तैयार कर लिया है। घोल ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला। ये देखिए इस प्रकार से इसकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। अब मैं इस प्रकार से एक थाली लूँगी और उसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डाल दूँगी और इसे अच्छे तरीके से ब्रश की सहायता से ग्रीस कर लेंगे। चारों तरफ अच्छे तरीके से इसे लगा लेंगे। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब मैं गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दूंगी और उसमें पानी डाल दूंगी। पानी कम लग रहा है, थोड़ा पानी हम और डालेंगे। जब तक हम पानी को गर्म कर रहे हैं तब तक हम थाली में उस घोल को डाल देंगे। घोल हम इतना लेंगे कि जो अच्छे तरीके से पतली परत इसकी फैल जाए, ज़्यादा मोटी हमें नहीं करना है। इस प्रकार से हम इसे फैला लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इस घोल को इसमें फैला लिया है प्लेट में। कढ़ाई में पानी भी गर्म हो चुका है। अब हम सावधानी से इसमें इस प्लेट को डाल देंगे। हमने डाल दिया और एक ढक्कन के सहायता से इसे हम ढक देंगे और करीब 10 मिनट तक हम इसे पकने के लिए वेट करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, आइए चेक कर लेते हैं। मैदे की जो हम सीट तैयार कर रहे थे वो तैयार हो चुकी है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और प्लेट को सावधानी से बाहर निकाल कर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। प्लेट ठंडी हो चुकी है। अब हम नाइफ की सहायता से साइड से इसके सारे किनारों को हम ऐसे कर देंगे ताकि ये साइड से अलग हो जाए और फिर धीरे धीरे करके हम ऐसे इस सीट को हम निकाल लेंगे। एक अलग प्लेट में हम रख लेंगे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम इस सीट को ऐसे खींचते जाएंगे और ये निकलता जाएगा। ऐसे ही हम सावधानी से इसे निकाल लेते हैं। एक दूसरी प्लेट में हमने मैदे की सीट निकाल ली है। अब इसे हम रोल करेंगे। इस प्रकार से हम सावधानी से इसे रोल करते जाएंगे। बिल्कुल इस तरीके से हम धीरे धीरे रोल कर लेंगे। अब बची हुई किनारों पे हम ये जो हमने जो जिस पेस्ट से हमने इसे बनाया है उसी पेस्ट को लेकर ऐसे लगा देंगे और इसे सील कर देंगे इस प्रकार से। इसे सील कर देंगे। मैदे की रोल तैयार हो गई है। अब इसे हम फ्रिज में 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। रोल को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम इसे कट करेंगे इस प्रकार से। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसकी परतें कुछ इस प्रकार से सभी को हम कट कर लेते हैं। ये देखिए सभी परतें दिख रही हैं। इसी प्रकार से सबको हम तिरछा कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं सभी को मैंने कट कर लिया है और सारी परतें
कितने अच्छे तरीके से दिख रही हैं। कढ़ाई में मैंने पहले से ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब उस पर मैं एक एक करके कट किए हुए रोल्स को मैं डाल दूँगी। दोनों साइड से इसे गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे हम। काफ़ी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुकी हैं और ये काफ़ी क्रिस्पी हैं। आप आवाज़ सुन सकते हैं कितनी ये क्रिस्पी है। आइए अब इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। मैदे की नमकीन बनकर तैयार हो चुकी है, काफ़ी क्रिस्पी है। आप इसे अपने घर पे जरूर ट्राई करें और कैसे लगी रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।